उसका जगत क्या हो जाएगा, प्रोटिस्टा। ठीक है, यहाँ पर हम पैरामीशियम का अध्ययन कर रहे हैं। पैरामीशियम में सबसे पहले हम वर्गीकरण देखते हैं, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्योंकि उसी के साथ काफी लक्षण जो होते हैं वो सामने आ जाते हैं, है? तो जगत इसका प्रोटिस्टा हो गया, और उसका एक ही संघ है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ संघ की पहचान भी है, क्या पहचान है, इस संघ के जंतु एक कोष की होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। इस संघ के जंतु एक कोष की होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक मतलब समझ गए हो, इसमें स्पष्ट केंद्र पाया जाता है। उसके बाद में संघ प्रोटोजोआ को चार भागों में बांटा गया है, सार्कोमेटोस्पोरा, निडोस्पोरा, स्पोरोजोआ। लेकिन हमको अध्ययन करना है इसका, हाँ हमको अध्ययन करना है पैरामीशियम का, तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीलियोफोरा। ठीक है, सीलियोफोरा का वर्ग क्या है, सीलिएटा। और सीलिएटा वर्ग के बाद में सीधे अगर हम गण लिख दें कोई दिक्कत नहीं है, जिम्नो स्टोमेटिडा। ठीक है, और वंश इसका हो जाएगा, इसका वर्ग के बाद गण ही आता है, जिम्नो स्टोमेटिडा। ठीक है, उसके बाद में वंश, पैरामीशियम और जाति कार्डेटम। ठीक है, जाति कार्डेटम। तो ये जगत हो जाएगा, ये संघ हो जाएगा, ये उपसंघ हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा, ये गण हो जाएगा, ये वंश हो जाएगा और ये जात हो जाएगा। तो पैरामीशियम कार्डेटम। उपसंघ सीलियोफोरा के सभी जंतुओं को एक ही वर्ग सीलिएटा में रखा गया है। इन जंतुओं की विशेषता यह है कि इनको, इन जंतुओं की भाई एक कोष की तो होते ही है, इन जंतुओं की जो एक कोशिका होती है, एक कोशिकीय जंतु हैं, उस कोशिका के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है, जैसे अमीबा में वो आवरण नहीं पाया जाता है, ठीक है, और इसमें एक आवरण पाया जाता है, इसको पेलिकल बोलते हैं या तनुत्वक बोलते हैं। हाँ, इसे कोशिका कला के चारों ओर फिर पेलिकल का एक आवरण होता है, तनुत्वक झिल्ली होती है। ठीक है, यह पैरामीशियम बिल्कुल एक प्रकार से कह सकते हैं नग्न कोशिका है, हैं? ये कोशिका कला के बाहर कोई भी कला नहीं पाई जाती है, हुँ? लेकिन इसमें जो है कोशिका कला के बाहर भी एक कला पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, तनुत्वक बोलते हैं या पेलिकल बोलते हैं। इसी के कारण इसकी आकृति जो होती है वो निश्चित होती है, जैसे पैरामीशियम की आकृति निश्चित होती है, जबकि अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इसके ऊपर पेलिकल का आवरण नहीं पाया जाता, इसलिए वो किसी भी आकृति में मिल सकता है, हैं? और इसमें जो है पेलिकल का आवरण पाया जाता है, जिसके कारण जो है पैरामीशियम चाहे यहाँ का हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे अमेरिका में हो, उसकी आकृति स्लीपराकार ही रहेगी। स्लीपर जंतु कहा जाता है इसीलिए, हैं? तो तनुत्व की उपस्थिति के कारण ये नियमित तथा निश्चित होता है, ये नियमित होता है और निश्चित होता है, आकृति इसकी निश्चित होती है। जंतुओं में गमनांग के लिए क्या होते हैं, पश्चमाभिकाएं होते हैं, जिसको अंग्रेजी में सीलिया कहते हैं, पश्चमाभिकाएं कह सकते हैं या रोमाव कह सकते हैं, पश्चमाभिकाएं या रोमाव, या इसको अंग्रेजी में सीलिया कहते हैं। ठीक है, तो पश्चमाभिकाएं इनके गमनांग के रूप में पश्चमाभिकाएं होती हैं या सीलिया होती हैं। इनके जीवदंड में केंद्रकों की संख्या प्रायः दो या अधिक हो सकती है। पैरामीशियम में आमतौर पर दो होते हैं, लघु केंद्रक और गुरु केंद्रक। लेकिन कुछ ऐसी भी जातियां हैं पैरामीशियम में जिसमें दो से अधिक भी केंद्रक हो सकते हैं, लेकिन पैरामीशियम कार्डेटम जिसका हम अध्ययन करेंगे उसमें दो ही केंद्रक होते हैं, लघु केंद्रक और गुरु केंद्रक। ठीक है, बड़ा केंद्रक जो होता है वो गुरु केंद्रक कहलाता है और छोटा जो केंद्रक होता है वो लघु केंद्रक कहलाता है। ठीक है, इन जंतुओं में जन्म जो होता है कंजुगेशन के द्वारा भी होता है, संयुग्मन के द्वारा भी होता है, जो बताए थे अमीबा के समय बताए थे किस प्रकार से संयुग्मन होता है। और इस वर्ग में कुछ सदस्य परजीवी भी हैं, कुछ सदस्य परजीवी अर्थात दूसरों के बॉडी में भी रहते हैं, परजीवन अपना व्यतीत करते हैं, समझ गए।
जो प्रायः जंतुओं की आहार नाल में मिलते हैं, जैसे बेलेंटीडियम पैरामिसम एक मुक्त जीवी जंतु है जो कि ये परजीवी के रूप में रहता है, लेकिन हम यहाँ पर पैरामिसम कारेटम का अध्ययन कर रहे हैं। ये परजीवी नहीं है, ये तालाब है, पोखर है, पुराने सड़े गुले पदार्थ हैं, वहाँ पर ये सामान्य रूप से पाए जाते हैं। जिसे अमीबा पाया जाता है, ऐसे पैरामिसम भी पाया जाता है, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, ये पैरामिसम कारेटम है। इसका इसका जो है वर्गीकरण क्लियर हो गया, ठीक है। पैरामिसम का आवास जो भी बताए थे, जहाँ ये अमीबा प्रोटीस पाया जाता है, लोग वहाँ जो है पैरामिसम भी वैसे ही स्थानों पर पाए जाते हैं, क्योंकि ये भी अलवणीय जल में पाया जाता है। जैसे पैरामिसम अलवणीय जल में पाया जाता है, अमीबा प्रोटीस जो है अलवणीय जल में पाया जाता है, ऐसे पैरामिसम भी अलवणीय जल में ही पाया जाता है, सड़े गले पुराने जो है पदार्थों पर, कार्बनिक पदार्थों पर पाया जाता है। यह भी एक फ्री लिविंग का जंतु है, मुक्त जीवी है, ठीक है। मुक्त जीवी मतलब, मुक्त जीवी का मतलब फ्री लिविंग में, जिसे परजीवी है वो मुक्त जीवी नहीं है, क्योंकि परजीवी तो दूसरे पर निर्भर है। हाँ, ये भी दूसरे पर निर्भर मतलब ये नहीं, लेकिन ये किसी बॉडी पे थोड़ा निर्भर है, ये अपने मुक्त भी चलते फिरते रहते हैं, लेकिन दूसरे से ही भोजन लेते हैं, कार्बनिक पदार्थ से ही भोजन लेते हैं। तो इस प्रकार से ये तालाब है, पोखर है, झील है, नदी है, जहाँ कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, वहाँ पर इनकी जो है संख्या अधिक पाई जाती है। उसके बाद में बात करते हैं इसकी आकृति और इसकी संरचना। तो आकृति जो अभी बताए थे, इसकी आकृति, जिसे अमीबा की आकृति जो होती है वो परिवर्तनशील रहती है, क्यों? लेकिन इसकी आकृति नियमित और निश्चित होती है, इसका आकार निश्चित होता है। इसका कारण क्या है, जो भी बताए थे, इसका कारण क्या है? पेलिकल का आवरण के चारों ओर पाया जाता है। देखिए, इसकी आकृति मानव के तलुए जैसी कह सकते हैं, जैसे मनुष्य का तलवा होता वैसे कह सकते हैं, या स्लीपर जैसे वैसी चप्पल होती है, स्लीपर वैसी होती है जैसे मानव का तलवा होता है, वैसी स्लीपर होती है, इसीलिए स्लीपर जंतु कहलाता है, क्योंकि इसकी आकृति स्लीपर जैसी होती, चप्पल जैसी होती है। महीने और सदर परंतु लचीली तरित्व तथा पेलिकल का आवरण इसके चारों होता है। इस झिल्ली के कारण जंतु के शरीर का आकार जो था निश्चित, अभी बताए थे, ठीक है। पेलिकल पर निश्चित दूरी पर सहस्त्रों क्या लगे होते हैं? रोमा भरे होते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसे ये पेलिकल हो गया। ये पेलिकल हो गया और इस पे इस तरीके से रोमाव लगे होते हैं, इस तरीके से रोमाव लगे होते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? रोमाव या सीलिया कहते हैं। और इधर के पेलिकल को रोमाव थोड़ा सा बड़े होते हैं, इस तरीके से इधर के जो है जो रोमाव होते हैं वो थोड़ा बड़े होते हैं। मुख के पास के रोमाव और भी बड़े होते हैं, मुख के पास रोमाव और भी बड़े होते हैं। इनके द्वारा पैरामिसम जल में तेजी से तैरता है। रोमाव का कार्य क्या है? पैरामिसम जल में तेजी से तैर सकता है, क्योंकि रोमाव इसके चलने वाले होते हैं। इसे नाव में जो पतवार का काम होता है, पतवार जानते हो, पानी को काटने वाला है, वही काम इसमें सीलिया का रहता है। अधर तल पर एक तिरछी परिमुखी खांच होता है। देखिए, इसका ये अधर तल कहा जाता है, ये वाला क्या है? अधर तल। और ये वाला जो होता है, ये पृष्ठ तल कहा जाता है, ठीक है। वो उधर अधर तल हो जाएगा मुखीय तल, अब वो प्रस्थल हो जाएगा। ये परिमुखी खांच होता है, ये क्या कहलाता है? परिमुखी खांच कहलाता है, जो पीछे एक चौड़ी कीप नुमा जो है प्रकोष्ठ में जाकर के खुलती है। कीप नुमा संरचना हो गई, उसमें जाकर के प्रकोष्ठ में जाकर के खुलती है। प्रकोष्ठ में अपेक्षा चौड़ी मुखाग्र गुहा कोशिका द्रव में धसकर कोशिका मुख साइटोसोम तथा कोशिका ग्रसनी, ये सब जो है ये क्या है? ये कोशिका ग्रसनी बनाती है, ये कोशिका उसका ग्रसनी हो जाएगी, है? ये साइटोसोम हो जाएगा, साइटोसोम का मतलब हो जाएगा कोशिका मुख, कोशिका मुख हो जाएगा, है? ये परिमुखी
खाँच हो जाएगा, ठीक है, परिमुखी खाँच। ये संरचनाएं जो है सब मिल करके भोजन के अंतर्ग्रहण में काफी सहायता करते हैं। पैरामिस अपने भोजन का अंतर्ग्रहण इन्हीं उपकरणों के द्वारा करते हैं, ठीक है, इसमें ये सब सहायता करते हैं भोजन को अंदर लेने के लिए, अंतर्ग्रहण में सहायता करते हैं। कोशिका द्रव्य इनका भी एक्टोप्लाज्म तथा एंडोप्लाज्म में विभेदित किया जा सकता है। इनका जो कोशिका द्रव है, ठीक है, इसको भी हम एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म में विभेदित कर सकते हैं, है? बाहर की ओर एक्टोप्लाज्म, ठीक है, और अंदर की ओर एंडोप्लाज्म होता है। इसकी एक निश्चित क्राइटेरिया होती है, इनका निश्चित क्षेत्र होता है, इस तरीके से है? ये एक्टोप्लाज्म और ये अंदर की ओर एंडोप्लाज्म, ठीक है। तो इस तरीके से इनका भी कोशिका द्रव्य जो है दो भागों में बांटा जा सकता है, बाहर की ओर एक्टोप्लाज्म, अंदर की ओर एंडोप्लाज्म, दो भागों में बांटा जा सकता है। एक्टोप्लाज्म में आधारी कणिकाओं से रोमाव निकले होते से एक्टोप्लाज्म है, ये तो ये आधारी कणिकाएं हैं, इन्हीं से जो है ये रोमाव निकले हुए हैं, ठीक है, ये आधारी कणिकाएं हैं, इनको क्या कहते हैं, आधारी कणिकाएं, ठीक है, इन्हीं से देखिए ये सीलिया निकली हुई हैं। और आधारी कणिकाओं से रोमाव निकलते हैं, कणिकाओं के बीच बीच में एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, इसको बोलते हैं ट्राइकोसिस्ट। कणिकाओं के बीच बीच में इस तरीके से ये ठीक है, अंदर झिल्लीनुमा होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ट्राइकोसिस्ट कहलाते हैं, ट्राइको समझ गए। जब इनको कोई खतरा मालूम पड़ता है तो क्या करते हैं, ये इसको पिचका देते हैं ना, इसको जो गुब्बारा पिचका देते हैं, ये थैलीनुमा संरचना, तो ये कांटा बाहर निकल आता है, तब ये कांटा बाहर निकल आता है, तो इनको सुरक्षा प्रदान हो जाती है। ट्राइकोसिस्ट का कार्य होता है सुरक्षात्मक अंग है ये, समझ गए। तो रोमावों के बीच या इन आधारी कणों के बीच में जो है ट्राइकोसिस्ट नामक संरचना पाई जाती है, जो कि क्या करता है, हाँ, पैरामीसम को सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि इसमें कंटिकाएं पाई जाती हैं। महीन तंतुओं का एक जालकनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको इंफ्रासिलरी तंत्र या न्यूरोमोटर तंत्र कहते हैं। इसको अलग से अभी समझाएंगे, पैरामीसम में इंफ्रासिलरी तंत्र क्या है या न्यूरोमोटर क्या है, हैं, जो रोमावों की क्रिया को नियंत्रित करता है। अब रोमावों की क्रिया को नियंत्रित करता है, हम लोग किधर रोमाव गति करेंगे, जैसे नाव की पतवार है, जिधर काटे इधर जोर चलाएंगे तो उसको उल्टी साइड में कट चली जाएगी ना, तो ऐसे ही जो है सीलिया, कौन सी सीलिया को कितना तेज चलाना है, कौन सी सीलिया को धीरे चलाना है, इसको नियंत्रित करता है एक इसमें तंत्र होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्रासीलरी तंत्र कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं न्यूरोमोटर तंत्र भी कह सकते हैं। एंडोप्लाज्म में अनेक रिक्तिकाएं, दो केंद्रक। अब देखिए एक्टोप्लाज्म तो ये हो गया, ठीक है, एंडोप्लाज्म में अनेक रिक्तिकाएं होती, खास तौर से एक आगे होती है और एक पीछे होती है, ठीक है, एक यहां पे हो जाएगी, एक यहां पे, और दो केंद्रक हो जाएंगे, दो केंद्रक हो जाएंगे, एक गुरु केंद्रक होता है और एक लव केंद्रक होता है, समझ गए, दो केंद्रक होते हैं। एक अग्रता दूरी पश्चरे के पास समुचन सी रिक्तिका होती है, ये समुचन सी रिक्तिका में पाई जाती है अग्र और पश्चरे के पास में, और समुचन सी रिक्तिका का काम बता ही चुके हैं, ठीक है, आवश्यकता से अधिक जल को बाहर निकालने का कार्य करते हैं, खाद्य रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, है? तो इस प्रकार से इसमें संरचनाएं ये पाई जाती हैं। आगे बात करते हैं इनके जो अलग अलग इनके जो कोशिकांग हैं या पैरामिसम के जो अंग हैं, भाग हैं, इनको अलग अलग रूप से अध्ययन किया जाएगा कि कौन से अंग का क्या कार्य है, इनकी संरचना कैसी है, हैं, किस प्रकार से ये अपनी क्रिया करते हैं।